हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। तो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बड़े होंगे। गाइस, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। और गाइस, आज है भागवत का सेकंड डे। तो गाइस, आज हम आपको भागवत। और गाइस, अभी सुबह हम जल्दी उठ गए थे और गाइस नहा गए, फ्रेश हो गए हैं। और फिर थोड़ी देर में भागवत शुरू हो जाएगा, तब हम तैयार भी हो जाएंगे। और गाइस, आज सुनाऊंगी मैं आपको भागवत। आज सेकंड डे है गाइस भागवत का। और सुबह उठ के गाइस मेरे को लगा दिया है काम पे, रात को भी मैंने मेहंदी वगैरह लगाई। और ये है दक्षित गाइस, ये बोलता है दीदी आपके ब्लॉग्स मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। कितने अच्छे लगते हैं? हद गंदा। 9। हाँ, एक मार्क्स इसने कम दिया, एक मार्क्स अच्छी लगी और ज़्यादा। और इसने लगा दी मेरी सुबह की मेहंदी। दिखा मेहंदी, दिखा अपनी। रात को भी लगाई मैंने गाइस सभी को मेहंदी। हाँ, आज टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हो गया है। और गाइस, ये आया मेरा भाई है जो सुबह से काम में लगा हुआ है। बस आते जाते इनको गाइस शीशे में देखने का काम होता है, जो भी आता है इधर से। ऐसे हो गए हैं परेशान से भी। तो मैं दिखाती हूँ आपको बाहर क्या चला हुआ है। फिर गाइस, अभी हम रेडी होएंगे थोड़ी देर में। और ये लगाई मैंने गाइस रुचि दीदी को मेहंदी। दिखाइए जरा अपनी मेहंदी। हाँ जी नानी। हाँ जी गाइस, ये है गाइस उषा मासी। और ये मेरी रोपड़ वाली नानी। हाय नानी। ये मेरी नानी गाइस, आप जानते हो। और ये इसको, इनको तो जानते हो आप गाइस। ये मेरी बीबी। और इसको भी जानते हो आप, किंदू को गाइस बीबी से करवा रहे हैं मेरे चारों नाना भागवत। है ना बीबी? हाय करा गाइस। ये मेरी बीबी थी, मेरी पर नानी है। ये मेरी पर नानी है। ये नमस्ते नाना जी। ये गाइस मेरे रोपड़ वाले नाना जी। और ये डॉन मामू गाइस। और मामू गाइस सुन नहीं रहे, अभी बिजी लग रहे हैं मेरे को, थोड़े से काम में बिजी है सभी को। आ गए हैं सभी बाहर, उधर बैठे हुए हैं। और गाइस, अभी हम तैयार नहीं हुए हैं, कोई थोड़ी सी देर में भी तैयार। गाइस, तो होगी मैं अभी रेडी। और गाइस, मैंने डाली आज अपनी बर्थडे वाली ड्रेस। तो गाइस, अभी भागवत हो गया शुरू बाहर। मैं सामान रख लेती हूँ पहले जल्दी जल्दी से अंदर, फिर नहीं तो गुम हो। से आपको मुक्ति की प्राप्ति होगी। बोलिए बांके दे हरिलाल राधा कृष्ण भगवान। कहा बेटा तुम ठीक कह रहे हो, उनकी जब बाबा सुनी है आत्मा देव ब्राह्मण अपने बेटे तो मेरी माँ से सीरियस होकर भागवत सुनेंगे। मजाक बहुत हो गया है, गप्पे मारेगा इधर बैठ। और क्या कह रहे हो? एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में सांस तेरे को कारण होगा। अरे कोई कारण होगा। सबने सुमिरन भाव से कहते हुए मानेगा
स्थान से आ और दुर्योधन सबसे ज्यादा ईर्ष्या किससे करता था? हाँ नमस्ते करा आए गाइस आज ब्रह्मा दुर्गा सारे पांडव लेकिन जहां पांडव से सोया गया रे कब पे उधर बैठ आज मेरे से फोन मांगे की दीदी फोन दे दो मुझे अर्जुन के पुत्र मुझे कुछ ऐसे लग रहे हैं और पांडव कहाँ है कन्हैया के शरण और जो कन्हैया के शरण में उसका बाल मां का कभी नहीं हो सकता कहा तो प्रभु ने भी था लेकिन काली की शिरा देखो भालू चला गया है जन्म हुआ बनाना लाने दे और उस बालक का नाम क्या रखा गया परीक्षित लिया सारे युधिष्ठिर जी सारे लिया बालक को जो आने वाला प्रतापी विजयी सम्राट होगा सारे लिया बालक परीक्षित को लिया नहीं जा रहा इसे एक एक बात को समझाया जा रहा है नहीं आगे 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 मुझे मुझे मेरे लिए बुला साधारण बालक एक और दे भगवान का भक्त जिसके मन में कलासा थी क्या जब जन्म अगला दे अगला जी वो पक्का जी पक्का जी दे अगले दे अगले वो कौन है वो कहाँ है वो इससे भी देर क्योंकि गर्भ में जब दर्शन हुआ था उन्हीं कृष्ण का दर्शन करना चाहता हूँ लेकिन वो मिलेंगे युधिष्ठिर जी के खोल दी तेरे खोलने लग रही बड़े ध्यान से सुन बोलिए मुझे बानो मुझे ये नहीं मेरे लिए बुलाओ उधर से जाओ अब क्षण भर भी चाहत नहीं है मैं जानता एक और दे तोड़ी ने तुम राज्य के नियमों को समझो तुम्हारे राज्य में हर प्रजा सुखी रहेगी राजा का ये कर्तव्य है लिए हैं अपन ले आया गुड्डू मेरे लिए भी थैंक यू खाओ अब खाओ जी वही मिलने के लिए जा रहे हैं हर पल जाते हैं हर समय रहते हैं कन्हैया की याद में लेकिन देखिए आज जब द्वारिका पर पहुंचे हेलो हेलो आज उनका दर्शन मैं भी खाऊं आज क्या दे रुको खोलती हूँ मैं बानू नानी के लिए मिले आए बनाना और बोलिए खाओ ऐसे सुनिए आप लोग भी भागवत कथा हिंसा परिस्त्री में जुए में और मदिरा में कहा ये स्थान दिए जा रहे हैं कहा महाराज मेरा इस मामले में क्या बनेगा मुझे कुछ और स्थान दे कहा
चोरी हुए धन में स्वर्ण में तुझे स्थान दे रहा है। जा तुझे चोरी हुए धन में या चोरी हुए सोने में जगह दी जा रही है, इन जगहों पर अब कलयुग रहने लगा। देखिए जहाँ हिंसा होती है वहाँ ये कलयुग रहता है। जहाँ गाइज तो अब लगेगा भोग कान्हा जी को, और गाइज उसके बाद होगी आरती। प्रिय बांकी नारे के मोर भोग लगाओ मेरे श्याम की आरती रवि ना हो गया। मोर भोग लगाओ मेरे श्याम केले की चटनी मिक्स वेज और आलू चने की सब्जी और खाते हैं भाई सब भी हम। आज लंच करने और गए रसोई में चला हुआ है काम धनाधन से, और इधर बैठे हुए हैं सभी खाना खाने। और गई अभी हमारा प्लान बन रहा है नवाई मंदिर जाने का, गाइज उधर लगे हुए हैं आजकल मेले तो हम जा रहे हैं शायद उधर, अभी पक्का तो नहीं है बट प्लान बन रहा है। मास्क वगैरह बना रहे हैं जा सकते हैं गाइज। स्वागत अभी तो ख़त्म हो गया है, रात को का तो हम आ जाएंगे वापस। तो हो गए हम तैयार वगैरह भी, और गाइज फाइनली बन ही गया प्लान अचानक से जाने का नवाई के मेले में। वैसे तो गाइज मेरे को मेले में जाना ज़्यादा पसंद नहीं, बट गाइज अभी सभी जा रहे हैं ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और ये मेरा वेट कर रहा है गाइस, मैं होगी लेट आने में, ये हाय हाय कर रहा है मेरा भाई वंश। गाइस जाते हैं हम, और हम बताए कौन कौन जा रहे हैं, कितने मासी जा रहे हैं, रुचि दीदी सॉरी रिशु दीदी जा रहे हैं, मनु मासी और मैं, वंश और शिव छोड़ी आई मैं। गाइस चल तो पड़े हैं हम, और गाइस मौसम हो गया बारिश का, कहीं बारिश ही ना लग जाए, चलो लग जाएगी तो बच हो जाएगा, हम नहा भी लेंगे साथ साथ। तो पहुंच गए हम, और इधर से गए गया,
गाइस तो इधर पहुंचते ही हो गया हमारे साथ सीन और गाइस बारिश भी लग पड़ी और सीन हो गया अभी हम उतरे भी नहीं और बारिश भी लग पड़ी। मासी क्या हो गया हमारे साथ सीन सामने देखो। इस बार बारिश लग गई थी तो हम आ गए नवाई माता जी के मंदिर में दर्शन करने। गाइस बारिश लग पड़ी है गाइस यहाँ बारिश लग गई हम मेला देख रहे हैं क्या। चलो गाइस मंदिर में ही करते हैं कीर्तन थोड़ी देर अब जब बारिश रुकी तब घूमेंगे मेला भी अगर घूमने को मिला तो। आपको गाइस नवाई माता जी के दर्शन दृश्य भी बहुत ज्यादा तो दिक्कत हो रही है। लक्ष्मी नारायण भगवान जी का मंदिर है इधर भी टेके दे गए थे माता जय हो। और ये है गए राधा कृष्ण भगवान जी का मंदिर अंदर नहीं जाते क्या बारिश लग पड़ी है सीन हो गया खतरनाक वाला हमारे साथ। अरे संतोषी माता जी का मंदिर गाइस मैंने दिखाया आपको ब्लॉग में पर गाइस इधर भी है संतोषी माता जी का मंदिर। गाइस हम आए थे और यहाँ बारिश लगी है भगवान से रिक्वेस्ट करो कि अब बंद हो जाए तब अच्छी बात है। और देखो गाइस बारिश भी है नैना माता जी का मंदिर अभी अंदर गए मैंने अंदर ये देखो आप गाइस बारिश इतनी ज़्यादा बारिश मांग रहे थे हम भगवान से बट हम गलत टाइम पे नहीं मांग रहे थे हम सोच रहे थे कि अच्छे टाइम पे हो जाती तब ये गाइस गलत टाइम में होगी बारिश भी क्या कर सकते हैं गाइस। हम मैं दिखाती हूँ आपको नैना माता जी का मंदिर अब ये है नैना माता जी का मंदिर कीर्तन भी लग पड़ा है गाइस बारिश देखो आप लोग इतनी ज़्यादा बारिश हो बारिश ने किया बुरा हमारा प्लान हुआ चौपट। शिव जी भगवान जी का मंदिर नारोल नवाही माता जी का मंदिर देख रहे हैं हम बारिश अब की अब कब जैसे रुकती है कुछ नामो निशान रुकने का बारिश का कि नहीं बारिश का रुकने का नामो निशान है कि नहीं कि डिप्रेशन में चले गए आप। हम इतनी गई घर वाले से भी खुश हो रहे होंगे कि जबरदस्ती गए हैं इनके साथ अच्छा हुआ पर गाइस अच्छा हुआ हमारे साथ हम आ गए क्योंकि भगवान जी के दर्शन भी हो गए ऐसे हमने बारिश का हमें ठंडक मिल गई हाँ ठंडक
उधर तो गाइस गर्मी से बुरा हाल हो गया था हमारा, इधर आके गई फिर बारिश में एंजॉय तो किया, बाकी कुछ ना हुआ तो। बारिश भी रुक गई और हम लोग पड़े हैं मेला घूमने। ये देखो गाइस मौसम बहुत हो गया, अब हम घूम सकते हैं, अब तो गर्मी भी लगेगी, तो शांत शांत हो गया गाइस, अच्छा हुआ बारिश हो गई, हम खुश हैं बहुत ज़्यादा। घूमेंगे अब मार्केट में, सॉरी मेले में। तो अभी हम चल पड़े हैं झूलों में झूलने, झूलेंगे मारो उधर भूत बंगला, उधर देखते हैं जाने का भी पक्का नहीं, कैसे डर लगता है बहुत। झूलो में झूलेंगे, गैस तो बच्चों को झुला रहे हैं इधर, देखो बहुत मजा आ रहा है घूमने में, मौसम भी बहुत अच्छा हो गया, मस्ती होते। सुबह हम खाएंगे गोला, खा रहे हैं मैं शैशु और वंश, गई जल्दी जल्दी खाते हैं। इधर ले लिया मैंने अपने लिए ये वाला सूट नायरा कट, डालूंगी मैं इसको भी एक दिन भागवत में। अरे गई ये गुलशन मामी के लिए गई, तो देखियो हवा से पूरा हाल, गर्मी थी बहुत ज़्यादा, गर्मी से राहत मिल गई है हमें गर्मी से। और देखो गई सामने बड़े बड़े पहाड़, ओ हो गई गए सब कुछ सामान, और हम भी चले हुए हैं सामान आया है इधर मेले में। गाइस बोलिए गाइस, गाइस मैंने ले तो लिया अपने लिए नायरा का टेक, गाइस तो घूम लिया मेला भी और ले लिया जो सामान लेना था, अब हम चल पड़े हैं गाइस वापस घर, और घर में जाके करेंगे गाइस कीर्तन में मस्ती, और चलते हैं गाइस बैठते हैं अब गाड़ी में। गाइस इधर हम रुक गए चंद्रोई के पास, और गई मासी मासा भी खिला रहे हैं हमें आइसक्रीम, पैसे दे दिए बोले ले लो जो जो खानी है तुम लोगों ने। हाँ ये शायद चंद्रू ही है, पता नहीं अब कौन कंपनी में बोल सकती, बट है शायद बस। हाँ क्या है इधर गई आइसक्रीम सभी ने, और चल पड़े हैं गई वापस और घर में। गई आरती भी हो गई होनी क्योंकि टाइम हो गया 8:30 से ऊपर राजस्थान में। दिखाते हैं आपको चल के, गंगा में
पंडित जी ने कर दिया कीर्तन और इधर हम खुद शुरू हो गए कीर्तन। हमने पहले भी किया पर अभी करना है। तेरे मिलन दा चावे। और गाइस इधर मेरे कान अच्छी और मामू ऐसे ही गर्दन हिलाए जा रहे हैं अपनी, पता नहीं क्यों है। मैंने नहीं कहा गाइस ऐसा कुछ भी, मैं बोर होने वाली हूँ। हाँ गाइस हम घूम के आए कभी कहीं। ये गाइस कीर्तन चला हुआ है इधर, बहुत अच्छा सा, बहुत इंजॉय भी कर रहे हैं हम भागवत को। बोलो पल्लू, बोलो पल्लू। वो गाइस जी से बोलना नहीं चाह रहे थे, प्यार से नहीं, बोलो पल्लू। बोलो बोलो तो बोलो, कैसे अभी का नाम लेती मैं इसको, अपना नाम भी सिखाऊंगी अब। बोलो पल्लू भाई। गाइस तो अभी बैठ के मारे सभी गप्पे, ऋषि दीदी, मनमासी, किरणा मासी, गुलशन मामी, नानी और गाइस मेरी माता और साक्षु को गाइस लाइट बंद करने का पता नहीं क्यों शौक चढ़ा हुआ है। और इधर ये वंश को नहीं नहीं काटना, मैं आता है इन बच्चों को करने। गाइज गाइज बोल रहे हो आप? सो गाइज तो अभी हम सो जाएंगे और रेस्ट करेंगे, डॉक्टर साहब भी बहुत मार ली, इंजॉय भी बहुत कर लिया और वेज ब्लॉग को कर देती हूँ मैं यहीं पे एंड। तो ठीक है भाई गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, मेंशन एंड सब्सक्राइब टू पायल शर्मा ब्लॉग्स। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।